सभी को जय मसीह की। आज हम एजीकियल 15 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? अंगूर की शाखा जो जंगल में पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है? क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है? वो तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग में जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वो किसी भी काम की है? देख, जब वो बनी थी तब भी ये किसी काम की न थी, फिर जब ये आग का ईंधन होकर भस्म हो गई है तब किस काम की हो सकती है? इसीलिए प्रभु यहोवा ये कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से ये अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूँ, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों को नाश कर दूंगा। मैं उनके विरुद्ध हूँगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे, और जब मैं उनसे विमुख हूँगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उनका देश उजाड़ दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हम जब जीवन जीते हैं, कभी कभार हम बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं और कभी कभार ऐसे निराशा मैं परिस्थिति का हम सामना करते हैं जो कि हमारे खुद से समाधान करना संभव नहीं होता है। लेकिन हम जब जीवन जीते हैं, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत काबिलियत है, मेरे पास बहुत शक्ति है, इसीलिए मैं अच्छे से जी सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से अपना जीवन जी पाते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में आविष्कार करेंगे तो अच्छा है, लेकिन हम कितना कर पाते हैं? हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाके जीते हैं, लेकिन हम उस अनुग्रह के लिए धन्यवादित नहीं होते हैं। और जो जीवन हम अनुग्रह से जीते हैं, उस जीवन के लिए भी हम धन्यवादित नहीं होते हैं, और हम परमेश्वर को भी धन्यवाद नहीं कहते हैं, और हम खुद की सेवा करके जीवन जीते हैं। मैं जब सुबह उठा और मैं जब उठ के सांस लेता हूँ, और जब मैं अपना आँख खुल पाता हूँ और मैं एक दिन की शुरुआत कर पाता हूँ, ये मेरे लिए बहुत धन्यवाद की बात है। एक दिन मैं सिर्फ बेड से उठ पाता हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत धन्यवाद की बात है। एक दिन मैं सांस ले पाता हूँ, ये मेरे लिए धन्यवाद की एक बात है। अगर आप जीवन में धन्यवाद परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कंडीशन अगर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आप कंडीशंस को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस ऐसे हैं। अगर हम देखेंगे तो दिन में सूरज की किरणें हैं, तो हम उन सूरज के किरणों के लिए हम कुछ भी किराया नहीं देते हैं। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि हवा के लिए, जो हवा हम सांस लेते हैं, उस सांस के लिए भी हम किराया नहीं भरते हैं। तो जो पानी हम पीते हैं, तो उस पानी के लिए भी हम किराया नहीं देते हैं। लेकिन अब जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो गया है, इसीलिए हमें कभी कभार पानी खरीदना पड़ता है। तो जो उजियाला है, उस उजियाले में जीने के लिए हमें बहुत शांति मिलती है और हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन आप इस उजियाले को कब धन्यवाद दे सकते हैं? जब आपके पास उजियाला नहीं होता है, तभी आप इस उजियाले को धन्यवाद दे सकते हो। हमारे पास बिजली है और उस बिजली से हम लाइट स्विच ऑन कर सकते हैं, हम रेफ्रिजरेटर यूज़ कर सकते हैं, हम एयर कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, और रात में भी हम दिन जैसे जीते हैं। लेकिन अगर हमारा बिजली चला जाता है,
और बिजली जब नहीं होती है तो हमारे घर में अंधेरा होता है, और उस अंधेरे में हम जब रहते हैं तभी हम उजाला को धन्यवाद कहते हैं, और तभी हम उजाले के बारे में याद करते हैं क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होता है। हम सब ने परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाया है, और ये जो अनुग्रह है ये परमेश्वर के, ये जो उद्धार है ये परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है। और अगर हम अपने सारे जीवन सिर्फ इस परमेश्वर का जो उद्धार है इसको हम धन्यवाद दे के जिएंगे, तब भी हमारा जीवन बहुत कम है, और हमारे जीवन में जो ये अनुग्रह हमने पाया है उस अनुग्रह को हम कभी भी परमेश्वर को चुका नहीं पाएंगे। हमने बहुत सारे अनुग्रह पाया है और उस अनुग्रह से हम इस जीवन दुनिया में जी रहे हैं, और इसीलिए उस अनुग्रह से हमारे जीवन में जितने सारे मुश्किलें हैं सारे मुश्किलों को हम जीत सकते हैं अगर परमेश्वर के उस प्रेम को हम अपने हृदय में जान पाएंगे, और अगर उस प्रेम को हम अपने हृदय में समझ पाएंगे तो मेरे जीवन में जितने सारे समस्याएं हैं, मेरे जीवन में जितने सारे क्रोध है और जितने सारे विचार है सारे चीजों को हम पार कर सकते हैं। वहां पे एक दास है और जो जिसे कि मालिक आके कहते हैं कि तुमने मेरे सारे संपत्ति को नष्ट कर दिया है, और इसीलिए तुम्हें मैं तुम्हारे ओहदे से निकाल देता हूँ। मैंने तुम्हें एक ओहदा दिया था लेकिन तुम उस ओहदे पे मेरे सारे संपत्ति को नष्ट कर दिए, और इसीलिए तुम इस ओहदे पे अब नहीं रह सकते हो, और तुमने जो कुछ भी काम किया है इस ओहदे पे रह के, आओ हम इसे इसकी गिनती करते हैं। अगर परमेश्वर हमारे कामों का गिनती करेंगे तो हम क्या परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाएंगे? तो परमेश्वर हमारे कामों का अगर गिनती करेंगे, मैंने तुम्हें अपने लहू से उद्धार कर दिया है, उस उद्धार के बाद तुम कैसे जीते हो? अगर परमेश्वर हमारे इसके कामों की गिनती करेंगे तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाएगा। हम जो भी करें हम कभी भी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे कमियां हैं, और मेरे पास परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए योग्यता नहीं है। लेकिन एक चीज है जिसके लिए कि हम परमेश्वर के सामने साहस पूर्वक खड़ा हो सकते हैं, और वो है यीशु मसीह का लहू, और उस लहू के वजह से हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर आप मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? परमेश्वर हमें ऐसे कहेंगे। आज जब मैं कॉयर का गाना सुन रहा था और वो जब वहाँ गा रहे थे तो उनमें से दो लोगों मेरे नजर में आए। वहाँ पे एक पिताजी थे जो कि अपने बेटे के साथ गाना गा रहे थे, और वो एक ऐसा गाना था वो जब गा रहे थे तो वो दोनों बहुत सुंदर दिख रहे थे, और जो बेटा था वो अपने पिता से बहुत ही सुंदर है, और उनका हाइट भी उनके पिता से बहुत ऊंचा है, और ये एक ऐसा आशीर्वाद है जो आशीर्वाद की मैंने भी नहीं पाया है। वो दोनों जब गा रहे थे वो बहुत सुंदर दिखाई दिए मुझे, वो उनको उन दोनों का वैसे गाना मेरे लिए बहुत अनुग्रह की बात थी। वहां पे जो दास है जो कि अपने मालिक के सारे संपत्ति को नष्ट कर देता है, तो जब उसके मालिक उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ओहदे से निकाल देता हूँ, तब वो सोच रहा है कि मैं कैसे करूँगा, अगर मैं बाहर निकाल दिया जाऊँगा तो मैं काम नहीं कर सकूँगा, और उसे चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है। अगर मेरे मालिक मेरे मुझसे ये ओहदा ले जाएंगे तो मैं बाहर जाके काम नहीं कर पाऊँगा, और मैं भीख भी नहीं मांग सकता हूँ क्योंकि मुझे
शर्म आएगा। तो वो सोचने लगता है, अब मेरे औहदे को मुझसे ले लिया गया है, तो मैं क्या करूं ताकि मैं फिर से जी सकता हूँ। और एक एक चीज जब वो सोचने लगता है, तो उसके पास परमेश्वर की ज्ञान प्रवेश करता है। और तब वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं समझ रहा हूँ। और वो जो चतुर भंडारी है, वो अब क्या करता है, वो अपने मालिक का जो काम है, उसके जिसके जितने भी संपत्ति है, उस संपत्ति को वो फिर से उसके मालिक को लौटाना चाहता है। तो वो पहले क्या करता था, वो जब उसका काम करता था, वो जाके लोगों को धमकाता था और उन्हें जोर जबरदस्ती से उनका जो ऋण है, वो ऋण सब उसके मालिक को लौटाने के लिए कहता था। वो पहले उन्हें बहुत परेशान करता था, लेकिन उसके मालिक वो नहीं चाहते थे, उसके मालिक वैसा करना नहीं चाहते थे। लेकिन मालिक के मन में वो चाहते थे कि जो भी ऋणी है, और वो ऋणी जैसे कि उसके मालिक के हृदय को जान पाए, और उस मालिक के हृदय के साथ जैसे कि वो एक हो पाए, और मालिक के हृदय में जो मुक्ति है उसे वो जैसे कि अनुभव कर पाए। मालिक का मन ऐसा था, लेकिन जो चतुर भंडारी है वो मालिक के मन को नहीं जानता था। लेकिन जब उसके औहदे से उसे निकाल दिया जाता है, तब वो फिर से सोचता है और वो मालिक के हृदय को जान पाता है। और जब वो मालिक के हृदय को जान पाता है, तभी वो जितने भी लोग उसके आसपास जितने भी ऋणी थे, वो उन लोगों के हृदय को मालिक के हृदय के साथ एक कर देता है, और मालिक के हृदय के बारे में उन्हें कहता है। और तभी फिर से वो मालिक से अनुग्रह पाता है, और मालिक के अनुग्रह से वो अपना जीवन जी पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने खुद को नहीं देख पाते हैं, और ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं जो कि सेविकाएं करते हुए वो बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरे पास विश्वास है, और मैं जो कुछ समझता हूँ, और मैं जो अपना काम है उसे लेकर मैं जी कर सकता हूँ। और जो कोई भी अपने सेविकाएं में अपने खुद को विश्वास करके काम करता है, वो हमेशा ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाता है, और वो फाइनली चर्च छोड़ के चले जाते हैं। हमारे पास जो खुद का विश्वास है, हमारा जो समझ है, और हमारे पास जो ज्ञान है, उसे लेके हम कभी भी अपने जीवन का समाधान नहीं खोज पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद के समझ को लेके, खुद के विश्वास को लेके, और खुद के सोच को लेके वो चलते हैं, लेकिन अंत में वो हमेशा गलत रास्ते में जाते हैं, और वो निष्फल, उनके जितने भी काम है सारे निष्फल हो जाते हैं। एक समय था जब मैं भी अपने मुझसे मेरा औहदा ले लिया गया था, और मैं चर्च में एक भाई के तौर पे जी रहा था, और मैं सेवकाई नहीं कर पाया। परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार का सेवा करने के लिए बुलाया था, परमेश्वर ने मुझे इतना बहुमूल्य औहदा दिया था, और परमेश्वर ने मुझे इतने बहुमूल्य स्थान पे रखा था। लेकिन मैंने उसका वो कितना मूल्यवान है मेरे लिए, उस बहुमूल्य हृदय को मैं समझ नहीं पाया। और एक समय ऐसा आया जबकि वो औहदा मुझसे ले लिया गया, और मैं एक भाई के तौर पे चर्च में जी रहा था, और जब एक भाई बनके मैं जी रहा था, और वो समय मेरे लिए सबसे लज्जा का समय था, और वो समय मेरे लिए सबसे शर्म से भरा समय था। एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास आई, और वो मुझे कहने लगी कि इस बार फोर्थ वीक रिट्रीट का चल रहा है, और वहाँ पे मेरी माँ का रियल स्टोरी होने वाला है,
तो चलिए हम माँ का रियल स्टोरी देखेंगे। तो मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा ठीक है, माँ आज रियल स्टोरी हो रहा है। तो फिर मैं अपने रूम में गया। तो जब मैं सेवकाई नहीं कर पाया और जब मैं एक भाई के तौर पे जी रहा था, तब मैं नौकरी कर रहा था। और मैं जब नौकरी कर रहा था और जो सबसे फर्स्ट सैलरी था, वो फर्स्ट सैलरी लेके मैंने एक लैपटॉप खरीदा था। और मेरे पास वो लैपटॉप था, तो मेरे रूम में मैं जाके वो लैपटॉप मैंने ऑन किया और वहाँ बैठ के मैं हम दोनों मिलके तो मेरे सास की रियल स्टोरी हम देखने लगे। तो उनका जो स्टोरी का जो टाइटल था वो था कि आशीष की आशीष था उस स्टोरी का टाइटल। उनका सबसे बड़ा बेटा वो अमेरिका में एक मिशनरी है और उनके दूसरे बेटे अब किमशन में एल्डर के तौर पे काम कर रहे हैं चर्च में। और उनके जो तीसरा बेटा है, तीसरा बेटा वो गुड न्यूज ऑफिस में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में इंचार्ज के तौर पे काम कर रहे हैं। और वहाँ पे एक सीन ऐसा आया जो कि मैं नहीं चाहता था वहाँ आए, और वो है मेरे फैमिली का फोटो। और जब वो फैमिली फोटो गया तो हमारे फैमिली फोटो के नीचे कुछ भी मेंट नहीं था और वहाँ पे कुछ सबटाइटल भी नहीं लिखा गया था। और तब मैंने सोचा कि जितने भी भाई बहन उस रिट्रीट सेंटर में बैठ के अब ये रियल स्टोरी देख रहे होंगे, उनके मन में क्या क्या आया होगा। तो सारे देश में जितने भी भाई बहन आज ये ट्रू स्टोरी देखे होंगे तो उनके मन में क्या आया होगा। तो वो देखे होंगे कि ये तो पहले पास्टर जोग्यो युन है, तो उनके बारे में क्यों कुछ नहीं कहा गया। अब कुछ देर पहले हम बहुत खुशी खुशी वो ट्रू स्टोरी देख रहे थे। फिर वो जब हमारे फैमिली फोटो वहाँ पे आया तो कुछ समय के बाद मैंने अपने पत्नी को देखा और वो मुझे देखी। फिर हमारा घर एक युद्ध क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि किसने ये फोटो वहाँ पे भेजा और ये फोटो वहाँ पे क्यों है। और वहाँ पे बहुत झगड़ा किया हम दोनों ने। और फिर मेरी पत्नी मुझे कहने लगी कि तुम कब तक ऐसे जियोगे और कब तक ऐसे जियोगे और तुम कब तक मुझे दोष देते रहोगे। अगर वहाँ पे हमारा फोटो नहीं दिखाया गया होता तो अच्छा होता, लेकिन हमारे फैमिली फोटो को वहाँ दिखाए लेकिन कुछ नहीं कहा, वहाँ पे कुछ नहीं कहा गया। तुम क्या लिखे होते वहाँ? अगर वह कुछ मेंट कहते या फिर सबटाइटल होता तो क्या लिखते? तो उनका जो छोटा जमाई है वो सेवकाएं कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, एक भाई बन के चर्च में जी रहे हैं। ऐसे लिखना क्या ठीक सही होता? तब मैंने परमेश्वर के सामने सोचना शुरू किया। मैं अपने खुद के रूप को नहीं देख पा रहा था और मैं अपने सोच को लेके जब चलने लगा तब मैं परमेश्वर के सामने सेवकाई नहीं कर पाया। और मैं अपने जीवन में विफल हो गया और मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, लेकिन मैं खुद पे विश्वास करके अपना जीवन जी रहा था और मैं अपने आप को बहुत ऊंचे पोजीशन में रखा था। और उस ऊंचा पोजीशन में खुद को रख के मैं खुद पे विश्वास करके अपना जीवन जी रहा था। और जब मैं वैसे जी रहा था तो परमेश्वर मुझे और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर मुझे अपने एक अस्त्र के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए परमेश्वर ने मुझे क्रूस पे समाप्त कर दिया और परमेश्वर क्रूस पे मुझे समाप्त करने के बाद मुझे यीशु का नाम दिया और उस यीशु के नाम से अब मैं जी पा रहा हूँ। तब मैंने ये परमेश्वर के सामने अपने हृदय में ये जान पाया, अगर हम बाहर से देखेंगे तो मैं नहीं बदला हूँ, मैं वही हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्रूस पे खत्म करके, परमेश्वर ने मेरे जीवन को क्रूस पे समाप्त करके मुझे बदल दिया है। और जब मैं परमेश्वर पे भरोसा करके अपना जीवन जीता हूँ तो वो मेरे लिए सबसे धन्यवाद की धन्यवाद से भरा हुआ जीवन है। जब मैं सुसमाचार प्रचार के लिए जाता हूँ तो सुसमाचार प्रचार करता हूँ, अगर कोई मुझे कुछ खाना देता है तो मैं खाता हूँ, और फिर एक जगह जाके मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ, संगति करता हूँ, अगर मुझे कोई कुछ देता है तो वहाँ पे मैं खाके आता हूँ। तो ये सबसे धन्यवाद के जीवन है। तो सुसमाचार के लिए काम करने का जो समय है, सुसमाचार के लिए जीने का जो जीवन है, वो हमारे लिए सबसे आनंद से भरा हुआ जीवन है। मुझे सही तरह से कौन सा साल है याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं हनबा चर्च में एक भाई बन के जी रहा था, और तब हमारा एक बाहर एक मीटिंग चल रहा था, संडे सर्विस बाहर हम कर रहे थे, और तभी मेरे पास कॉल आया कि मेरे पिताजी गुजर गए हैं। और मैं ये सुनने के बाद गाड़ी लेके अपने पिताजी के फ्यूनरल सेरेमनी में गया, और मैं वहाँ पे एक भाई बन के जी रहा था। तो जब मैं अपने पिताजी के फ्यूनरल सेरेमनी में जा रहा था तो वहाँ पे मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पाया, किसी के साथ अपने हृदय के बारे में बात नहीं कर पाया, और मैं मुझे किसी से सहायता भी नहीं मिला, और मैं अकेले ही गाड़ी चला के जा रहा था। और जब मैं ये सोच रहा था कि मुझे वहाँ अकेले जाके अपने पिताजी का फ्यूनरल सेरेमनी करना होगा, तो मेरे हृदय में मुझे बहुत दुख हुआ। और परमेश्वर ने क्यों मुझे इस जगह पे रखा है, परमेश्वर मेरे जीवन को अच्छे से जानते हैं, और मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जी सकता हूँ। लेकिन सुसमाचार के जीने के लिए परमेश्वर आप मुझे एक औदा दीजिए, एक साल दीजिए तो भी चलेगा, अगर एक साल नहीं दे सकते हैं तो 6 महीना भी चलेगा, अगर 6 महीना नहीं है तो 1 हफ्ता भी आप दीजिए, अगर 1 हफ्ता भी आप मुझे नहीं दे सकते हो तो 1 दिन दीजिए परमेश्वर, मुझे 1 ही दिन दीजिए ताकि मैं एक पास्टर के तौर पे अपना जीवन जी के अपने सामने में जाके खड़ा हो सकूं। और परमेश्वर के सामने उस दिन मैंने ऐसा प्रार्थना किया था, परमेश्वर आपने मुझे सबसे बहुमूल्य औदा दिया था, और वो है एक पास्टर का औदा। सुसमाचार के लिए जीने के लिए आपने मुझे सबसे बहुमूल्य औदा दिया, लेकिन मैंने उसको समझ नहीं पाया। हम जब जीवन जीते हैं तो सुसमाचार के लिए जीने से जीने का जो जीवन है उससे और ज़्यादा कुछ भी बहुमूल्य जीवन इस दुनिया में नहीं है। और तब परमेश्वर ने मेरे हृदय को तोड़ दिया और परमेश्वर मुझे परमेश्वर के दास के हृदय से मिलाया, और परमेश्वर के दास ने मुझे वहां से निकाल के आपके सामने फिर से ऐसे खड़ा होने के लिए मुझे एक मौका दिया। और जहां से कि मैं खुद नहीं निकल पाता उस जगह से परमेश्वर के दास ने मुझे निकाल के लाया। आमेन।
तो इस बार खांगनम में जब म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा था, सोलो कंसर्ट चल रहा था, तो वहाँ पे एक कपल पास्टर से मिलने आए थे। और जब पास्टर उन्हें सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तब वो पास्टर से पूछे, जो हमारे जितने भी पाप है वो पहले जो हमने किया था उस पाप को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है, लेकिन आगे जो हम पाप करेंगे उसके पाप उस पाप के बारे में क्या है। तो पास्टर ने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है कि यीशु ने आपके पहले के पापों को क्षमा कर दिया है लेकिन अब के पापों को क्षमा नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को यीशु के लहू के द्वारा क्षमा कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपने पापों को स्वीकारना है। जब हम अपने पापों को स्वीकार के प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। तो पास्टर ने कहा कि ये गलत है, क्योंकि यीशु के एक बार क्रूस पे चढ़ाए जाने से हम सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि तो पास्टर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अपने कर्मों के बिना विश्वास मृत है, ऐसे कहा गया है, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ गए, ये तो लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम पापी हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो काम है, उनका जो विश्वास है, वो मृत है, क्योंकि वो यीशु के कामों पे विश्वास नहीं करते हैं। यीशु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, लेकिन यीशु के कामों पे जब कोई विश्वास नहीं करता है तो उनका जो विश्वास है वो मृत विश्वास है। तो जो कोई भी यीशु के काम पे विश्वास करता है तो वो कहते हैं, वो कहता है कि मैं धर्मी हूँ। तो वहाँ पे जो कि फॉर्मर मेयर थे उस शहर के, वो भी उसके वहीं पास में बैठ के सुसमाचार सुन रहे थे। तो उन्होंने पास्टर से पूछा, तो पास्टर मैं भी धर्मी हूँ? तब पास्टर ने कहा कि हाँ, आप भी धर्मी हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं धर्मी हूँ, आमीन, उन्होंने ऐसे कहा। तो पास्टर मैं भी धर्मी हूँ? तो पास्टर ने कहा हाँ, आप भी धर्मी हो, यीशु ने आपको धर्मी किया है, तो इसीलिए आप धर्मी हो। सुसमाचार के लिए जीने का जो जीवन है वो सबसे बहुमूल्य जीवन है, उससे और बहुमूल्य जीवन कुछ भी नहीं है। पिछले हफ्ते में संडे को पास्टर ने टैलेंट के बारे में प्रीचिंग किया था, और पास्टर कह रहे थे कि वहाँ पे एक दास है जिसे कि 5 टैलेंट दिए गए हैं, और वो जाके व्यापार करता है और उसमें से और 5 टैलेंट वो उसे मिलता है, और जिसे 2 टैलेंट मिला है और वो भी और 2 टैलेंट अपने लिए कमा के लाता है, लेकिन 1 टैलेंट जिसे मिला था वो उसे लेके मिट्टी में छुपा के रख देता है। तो आप लोगों को भी ऐसे टैलेंट दिए गए हैं, अगर आप उस टैलेंट को लेके जाके आप भी बिजनेस करोगे तो आपको भी और टैलेंट मिलेगा, आमीन। आज सुबह मुझे एक कॉल आया और एक सिस्टर बोल रहे थे कि उन्हें कैंसर हुआ है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में अब एडमिटेड है और वहाँ पे उन्हें कीमोथेरेपी लेना है। तो मैंने उनसे कहा कि सिस्टर, आप जब हॉस्पिटल में हो तो वहाँ पे आप सुसमाचार प्रचार कीजिए, और जब आप सुसमाचार प्रचार करोगे तो आप इस बीमारी से भी जीत सकते हो। अगर हम यूहन्ना 15 के 33 वचन को देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा गया है, वहाँ पे लिखा गया है कि नहीं, 16 वचन का, यीशु
और요한복음 15장 16절에 16 वचन का 33 16 अध्याय का 33 वचन अगर वहां देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि मैंने यीशु ने इस जगत को जीत लिया है, इसीलिए जब हम यीशु के साथ होते हैं तो हमने भी ये जगत को जीत जाते हैं। 16장 33절 이것을 너에게 이르면 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하리라. 15 अध्याय के 1 वचन में अगर देखेंगे, सच्ची दाखलता मैं हूँ और तेरा पिता किसान है। और यीशु कहते हैं कि जब तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम सब सिर्फ डाली है, इसीलिए हमें इस कलीसिया के साथ ही रहना है। जब हम इस कलीसिया के साथ रहेंगे तब हम फल फल सकते हैं। तो यीशु मसीह हमारे वो दाख लता है, और जब हम उस दाख लता के साथ डाली जुड़े रहते हैं तभी हम फलते हैं। 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없음이라 그랬어요. तो आज परमेश्वर हमें यीशु मसीह को दिया है जो कि हमारा सच्चा दाखलता है, और जब हम इस दाखलता के साथ जुड़े रहते हैं तभी हम फल पाते हैं। तो हमें क्यों दाखलता के साथ जुड़े रहना चाहिए? हमें दाखलता के साथ जुड़े रहना चाहिए क्योंकि जब हम दाखलता के साथ जुड़े रहेंगे तभी हम फल सकते हैं। तो और उससे हमें खुशी मिल सकती है। लेकिन दाखलता का एक विशेष गुण है, और वो क्या है? जब आप ऊपर से उसे देखोगे तो वहां पे आपको उसका फल नहीं दिखाई देगा। और जो दाख का फल होता है वो डायरेक्ट सनलाइट से वो अच्छे से पकता नहीं है, और जब उसे उसके पत्तियां ढक देते हैं और जब उन्हें जब उन्हें आधा आधा सनलाइट मिलता है तभी वो अच्छे से पक जाते हैं और उनका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए हमेशा जो दाख लता में जो पत्तियां होते हैं वो पत्तियां उसके फल को ढके रहते हैं। एक बार हमने पास्टर्स मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे, तब पास्टर ने एक जन के अंधे के बारे में कहा। तब पास्टर ने क्या कहा, मेरे आत्मिक जीवन का जो लक्ष्य है वो है अंधा होना, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अंधे बन जाइए, आप लोग अंधे बन के जीवन जिए। तो हमने सोचा कि पास्टर तो इतने बड़े पास्टर है और उनके जीवन का लक्ष्य ये है कि वो अंधा बनना चाहते हैं। आप लोग हमेशा चाहते होंगे कि मैं अंधा नहीं बनना चाहता हूँ। हम हमेशा कोशिश करते हैं विश्वास के जीवन जीने के लिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं सबके सामने पहचाने जाने के लिए। हम अपना पहचान सबके सामने करवाना चाहते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय के 3 वचन में अगर आप देखेंगे, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यीशु ने हमें शुद्ध कर दिया है। यीशु ने हमारे सारे पापों का भार अपने ऊपर ले गया है। यीशु ने हमारे सारे पापों का भार अपने ऊपर ले लिया है, इसीलिए मैं शुद्ध हूँ। और यीशु के ये काम पे विश्वास करना विश्वास कहलाता है। 15장 3절에 요한복음 15장 3절에 내가 너희를 एक बार मैं मुजू शहर को जा रहा था और वहां पे रास्ते में मैंने एक जन से फोन पे बात किया, और वो पहले उस शहर के मेयर थे। अचानक से एक दिन उनके
उनके दोनों पैर बहुत ज़्यादा फूल गए और इसीलिए वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए थे। और उनका उम्र 83 इयर्स था। और जो भाई मुझे उनके साथ कनेक्ट हुए थे, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर, मैंने उनसे इनसे फ़ोन किया और उन इनसे मैंने फ़ोन पे बात किया है। उनके जो छोटे भाई है, वो छोटे भाई ने आज तक शादी नहीं किया है, लेकिन उनके बहन जो है, उनकी छोटी बहन चर्च जाती है और वो हमेशा इन्हें कहते हैं कि कहते थे कि आप यीशु पे विश्वास कीजिए, लेकिन वो कभी भी उनकी बात सुने नहीं। लेकिन आज वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और वो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मुझे लगता है कि मैं मुझे अब यीशु पे विश्वास करना चाहिए। तो इसीलिए मैं जब रास्ते पे जा रहा था तो मैं ड्राइविंग करते हुए मैंने फोन में उनसे बात की। मैंने सुना कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, लेकिन प्रार्थना करने से पहले आपको उद्धार पाना चाहिए, तभी मैं आपके लिए प्रार्थना कर पाऊंगा। पास्टर पार्क जब घाना गए थे, पास्टर वहाँ पे घाना के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एटमिल से मिले और पास्टर ने उनसे कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। हाँ, धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे मेरे जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मैं और ज्यादा दिन जी सकता हूँ, लेकिन पास्टर मुझे नहीं लगता है कि मैं ज्यादा दिन जी पाऊंगा। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा और जब मरने के बाद मुझे परमेश्वर के सामने जाके खड़ा होना होगा और वहाँ मैं उनके सामने कैसे खड़ा हो पाऊँगा, उस बारे में मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं एक इंसान हूँ, इसीलिए मैंने भी पाप किया है, इसीलिए मेरे हृदय में पाप है। बहुत सारे पास्टर्स और हमारे देश के लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत मेरे पास बहुत अच्छा विश्वास है और मैं सबसे अच्छा प्रेसिडेंट के तौर पे इस देश में जाना जाता हूँ, लेकिन पास्टर, मेरे हृदय में बहुत पाप है और मेरे हृदय में जो पाप है उसे मैं कैसे धो पाऊंगा। तो मेरे जो हृदय में पाप है, उस पाप को मैं कैसे समाधान कर पाऊंगा। तो पास्टर ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आप एक पापी हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने पाप किया है, इसीलिए मैं पापी हूँ। तो पास्टर ने उनसे कहा कि जो लोग पाप करते हैं वो क्या अपने दंड का खुद दंड वो खुद निर्धार करते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपके पापों को विचार किया हुआ है और वो जो विचार है वो बाइबल में लिखा गया है। आप उसे देखना चाहते हो? तो रोमियो का 3:23 वचन को पास्टर ने उनसे कहा, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन 24 वचन में क्या लिखा जाता है? परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंट मैन धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए भेजा और हमारे सारे पापों का भार यीशु पर डाल दिया और उस पाप को लेके यीशु क्रूस पर चढ़ गए और उनके लहू से आपके सारे पाप को यीशु ने क्षमा कर दिया है और सारे पापों को यीशु ने धो डाला है। इसीलिए आप धर्मी हो, आप पापी नहीं हो। तब मैंने उनसे पूछा कि आप धर्मी हो, आप इस पे विश्वास करते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। तब मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और मैंने अपना फोन रख दिया और एक घंटे बाद मुझे सॉल में जो IVF ऑफिस है, उस IVF ऑफिस से एक सिस्टर ने मुझे कॉल किया और वो सिस्टर ने मुझे कहा कि
पास्टर, आप जिन्हें फोन किया, आपने फोन पे जिनसे संगति किए, वो अभी अभी मुझे कॉल किए थे कि वो धर्मी बन गए हैं और यीशु ने उनके सारे पापों को क्षमा कर दिया है। और वो फोन करके उन्हें कहा, उनसे कहे कि जो पास्टर मुझे कॉल किए थे, मैं बहुत धन्यवादित हूँ उस पास्टर के लिए। और उनका डेट, वो 83 साल के थे और वो हमारे देश के सबसे, जैसे कि बहुत सीनियर सिटीजन थे, क्योंकि वो 83 इयर्स के थे और वो बहुत धन्यवादित हो रहे थे ये सुसमाचार सुन के। हमारे पास जो सुसमाचार है, उस सुसमाचार में शक्ति है। निराश में जो लोग हैं उन्हें खुश करने के लिए, जो अंधेरे में है उन्हें उजियाला में लाने के लिए उस इस सुसमाचार के पास शक्ति है। हमारे पास ये सुसमाचार है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे ज्यादा लोग नहीं है जिनके पास कि ये सुसमाचार है। तो परमेश्वर का इच्छा ये है कि हम ये सुसमाचार का जो फल है, हम फले। जब परमेश्वर काम करते हैं तो हमें कुछ अच्छे से करना है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर नामान के घर में एक छोटी सी लड़की के द्वारा काम करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे द्वारा काम कर सकते हैं। जब मैं सियोल में जेल चर्च में पास्टर था, तभी रिट्रीट खत्म करके किमचन से ट्रेन लेके वो सियोल तक जा रहे थे और वो माँ बेटे जो सीट में बैठे हुए थे उनके सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए थे और वो जो छोटा बच्चा था वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। वो अपने माँ से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि इस बार मैं रिट्रीट में ये मैंने सुना। और वो जो बुजुर्ग आदमी उनके सामने बैठे थे, वो जब उस बच्चे के बातों को सुन रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुम चर्च जाते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम चर्च जाते हैं। तो अब कहाँ से लौट रहे हो तुम लोग? हम रिट्रीट जाके लौट रहे हैं। तो दादाजी, आपने उद्धार पाया है? नहीं। हाँ, मैंने उद्धार पाया है। तो आपके हृदय में पाप है? हाँ, मेरे पास पाप है। तो आपने उद्धार नहीं पाया है। और उस छोटे बच्चे ने 2-3 शब्द ऐसे कहे और वो जो बुजुर्ग आदमी थे उनके मन में वो उन्हें उसे चैलेंजिंग लगा। और फिर उन्होंने उस छोटे बच्चे से सियोल जेल चर्च का फोन नंबर लिया और वो चर्च में मुझसे मिलने आए। और वो सोमवार को मुझसे मिलने आए थे और मैंने उन्हें रात 8 बजे मिला। और मैं उनसे जब सुसमाचार प्रचार करने लगा तो मुझे ऐसे लगा कि अब रात बहुत हो गया है, इसीलिए मैं आज इतने में ही रखूंगा और फिर से उन्हें कहूंगा कि आप फिर से आइए। और जो घड़ी लगी हुई थी, मैंने उस घड़ी पे देखा और वहाँ सिर्फ 9 बज रहा था। मुझे लगा कि 1.5-2 घंटे से मैं इनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अब तो सिर्फ 9 बजा है। तो ठीक है, इतने में इन्हें नहीं भेजूंगा मैं आज इन्हें सुसमाचार प्रचार करके भेजूंगा, मैंने ऐसे सोचा। और मैंने फिर से उन्हें प्रचार करना शुरू किया और उस दिन उन्होंने उद्धार पाया। और उद्धार पाने के बाद वो जब वापस लौट के गए, मैं घर आके देखा तो फिर से घड़ी देख रहा हूँ कि 9 बजा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा घड़ी खराब हो गया था और वो 9 बजे ही वो सुई अटक गई थी। अगर घड़ी सही होता तो मैं उस दिन उन्हें भेज देता, लेकिन वो घड़ी खराब हो गया था उस दिन, इसीलिए मैंने उन्हें पूरा सुसमाचार प्रचार किया और वो वापस लौट के गए और वो उद्धार पाके बहुत खुश हो रहे थे। तो हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता तैयार करते हैं और हर किसी को उस रास्ते पे परमेश्वर लेके आते हैं ताकि हम उद्धार पा सके। तो ठीक वैसे ही ये जो बुजुर्ग आदमी थे, उन्हें उनका रास्ता जो था वो रास्ता परमेश्वर ने उस छोटे बच्चे के द्वारा प्रस्तुत किया था।
그날 돌려보냈을 건데 그 시에 고장나는 바람에 제가 복음을 전했는데 이 할아버지 구원을 받고 जो दाख लता है वो दाख लता फलने के लिए हन सारा गुवनल बाकीकाजी और ये दाख लता जब फलता है तभी ये बहुत सुंदर होता है। हम बाइबल के वचन को देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय। हाना यक्षा अन हासिगेसयो यक्षा हाशयो जम मिदयो आमेन जम हे बायो 16 वचन। 여러분들 지금 내가 보니까 마음이 콩밭에 있어. 벌써 바자에 다 갔어. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। 그래서 존재한 거고 열매를 맺을 때 아름다운 거예요. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। परमेश्वर इच्छा करते हैं कि आज जो धार्मिकता का फल है हम वो फले और परमेश्वर इच्छा करते हैं कि वो फल जैसे हमेशा के लिए बना रहे। जब मैं परमेश्वर के साथ और यीशु के साथ जुड़ा रहता हूँ तो तभी स्वाभाविक रूप से वो फल फलता है। मुझे फलने के लिए कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है और जब मैं यीशु के साथ जुड़ा रहता हूँ तब परमेश्वर हमारे लिए खुद काम करते हैं। हम उत्पत्ति 1 अध्याय 28 वचन को देखेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय का 28 वचन। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसने कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वालों सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो परमेश्वर ने किसे आशीर्वाद किया? परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और उनको और उनसे कहा। तो अगर ये हम बदला के इसे बदल देंगे और ऐसे पढ़ेंगे, परमेश्वर ने हमें आशीष दी और उसने और हमें कहा। और अगर इसे और भी हम ऐसे बदल देंगे और परमेश्वर ने मुझे आशीष दी और मुझसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने मुझे सिर्फ आशीर्वाद दिया है ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने में हमें सब कुछ दिए हैं ताकि हम फल सके फूल सके और हम सभी के ऊपर अधिकार कर सके। 29 वचन। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वो सब मेरे तुमको दिया है, वो तुम्हारे भोजन के लिए है। तो परमेश्वर हमें ये भोजन के लिए हमें ऐसे फल दिए हैं और परमेश्वर ने उन्हें बीज दिया है ताकि उन बीजों से फिर से पेड़ उग सके और उस पेड़ों से फिर से फल पाए। और परमेश्वर ने उस फलों में इसीलिए बीज दिया है। और जो दाख लता है उस दाख लता का काम है कि वो फले। अगर वो दाखलता में अगर फल नहीं फलता है तो उसे कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और जब हम गांव में रहते थे तो वहां पे जो पर्सिमन पेड़ है उसे हम काटते हैं क्योंकि उसके डालियों को काट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि
एक साल वो बहुत ज्यादा फल फलते हैं, लेकिन उसके उसके बाद का जो समय होता है उसमें उस साल वो नहीं फलते हैं। अगर इसीलिए जो फार्म में जो काम करते हैं, जो वो लोग क्या करते हैं ना, वो जो पेड़ है उसके वो एक लोहे की रस्सी लेके उसके नीचे उस डालियों को बांध देते हैं, जो बहुत कस के वो बांध लेते हैं, तो क्या होता है ना, उस पेड़ को बहुत दर्द होता है, और जब दर्द होती है तो वो पेड़ खुद से फलना शुरू करता है। अगर वैसे नहीं करते हैं तो वो एक कुल्हाड़ी लाके उस पेड़ों के डालियों पे डालियों को काटते हैं, और जब वो काटते हैं तो तब क्या होता है ना, पेट को बहुत दर्द होता है, और जब पेट को दर्द होता है तो वो फलता है। अगर वैसे उन्हें दर्द नहीं दिया जाता है तो वो पेड़ क्या सोचता है ना, पिछले साल मेरे बहुत फला है, इसीलिए इस साल मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। तो अगर उस पेड़ को हम देखेंगे तो ये पेड़ किसके जैसा है, हमारे जैसा है। हम जब किसी को प्रीचिंग करके आते हैं और हमारे प्रचार से अगर कोई उद्धार पाता है, और हमने सुसमाचार बहुत अच्छे से हमने प्रीचिंग किया और पता चला कि हमारे प्रचार से किसी ने उद्धार पाया है, तब हम क्या करते हैं ना, हमने बहुत कुछ कर लिया, अब थोड़ा हमें रेस्ट करना चाहिए। और ये पर्सिमन को जब हम देखते हैं तो वो भी वैसे ही हमारे जैसे सोचता है। वो क्या सोचता है ना, पिछले साल मैंने बहुत ज्यादा फल फला था, इसीलिए इस बार मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, इस बार नहीं फलूंगा। तो इसीलिए परमेश्वर हमें मुश्किलों का सामना करवाते हैं, परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियां देते हैं जो परिस्थितियों के लिए हम परमेश्वर के सामने जाके मांग सके, और परमेश्वर के सामने जाके अनुग्रह हम पा सके। और जब हमारा हृदय इस अनुग्रह से दूर हो जाता है तब परमेश्वर हमें मुश्किलों का सामना करवाते हैं, और जब हमारा मन और हम अपने मन के हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। दाखलता का एक ही काम होता है, और वो है कि फलना। अगर उसमें फल नहीं है तो उसे किसी कोई भी काम के लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यूहन्ना 15 अध्याय में एक दाखलता के बारे में लिखा गया है, और एजिकल 15 अध्याय में भी दाखलता के बारे में लिखा गया है। फिर यहोवा का वो ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। अंगूर की शाखा जो जंगल में पेड़ों में नीचे बीज उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है? क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जा सकती है, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है? वो तो ईंधन बनाकर आग में झोंक दी जाती है, उसके दोनों सिरे आग में जल जाते हैं, और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या ये किसी भी काम की है? देख, जब ये बनी थी तब भी वो किसी काम की न थी, फिर जब वो आग में ईंधन होकर भस्म हो गई है, तब किसी काम की हो सकती है? और जब वो बनी थी तब भी वो किसी काम की न थी, फिर जब वो आग की ईंधन होकर भस्म हो गई है तभी वो किसी काम की नहीं हो सकती है। उसे हम ईंधन की तरह भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बर्तन टांगने के लिए खुट्टी भी नहीं बना सकते हैं, और उसे आग में ईंधन जैसे भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसे फर्नीचर बनाने के लिए भी तैयार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और वो जब बन रही थी
तब भी उसे किसी में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, और जब वो आग में जलकर भस्म हो गई है तब भी किसी काम की वो नहीं है। हमने बहुत अच्छा कुछ करते हैं और जो हमारा अच्छाई है वो भी परमेश्वर के सामने उसका कुछ भी मूल्य मोल नहीं है। हम सिर्फ एक दाग लता जैसे हैं, जिसका कि कुछ भी अपना मोल नहीं है, और दाग लता का सिर्फ एक ही काम है और वो ये है कि वो फले। अगर वो नहीं फलता है तो उसे किसी में किसी तरह भी कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आज भी परमेश्वर ने हमें उधार दिया है और परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है ताकि हम परमेश्वर के उस उद्धार के लिए हम धन्यवादित हों, और उस उद्धार के लिए हम परमेश्वर के पास धन्यवादित हों, और हम उन परमेश्वर के पास आशा रखें। तो हम हमारे चर्च में एक बाहर पार्किंग करने के लिए एक जगह बना रहे थे, और वो जब हमने उसे करने के लिए सोचा तो हमें कहा गया कि कम से कम 3 महीनों से शुरू करना है। तो पहले क्या होता था ना, सिर्फ बहुत कम कार वहाँ पे पार्किंग हो पा रहा था, लेकिन जब हमने उसे और जब हम उसे थोड़ा रेनोवेट किया तो उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा पार्किंग हो सकता है। और जब मैंने उसे देखा तो मैं बहुत चौंक गया, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो कि कोई रास्ता, जब कोई रास्ता हमारे पास नहीं होता है तभी हम वहीं पे रास्ता बना लेते हैं। और जब हम वो काम करने के लिए तैयारी कर रहे थे तो तब सभी बहुत खुश थे, और हमारे सिस्टर्स वो जब किचन में खाना बना रहे थे तो वो दिन भर खाना बना रहे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थे। अगर हमें हमारे लिए कोई परेशानी है तो भी चलेगा। जब अगर हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो भी चलेगा, क्योंकि हम यीशु में हैं। जब हम यीशु में हैं तो हमारे जीवन में सिर्फ खुशी है। जब हम यीशु में हैं तो हमारे जीवन में सिर्फ धन्यवाद है। तो हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हमारे सामने समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं परमेश्वर से आती हैं। मैं ऐसे विश्वास करता हूँ। जब रूथ ने बोआज से शादी की, रूथ बोआज के साथ शादी करने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, और वो जो जब उस बेटे को जन्म देती है उसका नाम क्या होता है, उस बेटे का नाम ओबेद है। ओबेद का मतलब क्या है पता है? ओबेद का मतलब ये है कि नाओमी ने एक बेटे को जन्म दिया। जब रूथ उस बेटे को देखती होगी तो वो कितनी खुश नहीं होती होगी। जब माएं पहले बच्चे को जन्म देते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है, और कुछ सिस्टर्स तो वो दर्द सह नहीं पाते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं सीजरियन कर लूंगा। और कुछ एक सामोनिम थी जो कि लेबर पेन में थी, और वो पास्टर उनके पास खड़े थे, उनके हाथ को पकड़े हुए थे, और वो कह रहे थे कि थोड़ा सह लो, हो जाएगा, और तुम जब दूसरे को जन्म दोगे तो इतना कष्ट नहीं होगा। तो वो सामोनिम ने उनसे बहुत डांटा, कहा कि अब मैं पहले को जन्म देने के लिए मुझे इतना कष्ट हो रहा है और आप बोल रहे हो कि दूसरे जन्म को जन्म देते समय इतना कष्ट नहीं होगा। लेकिन जब माएँ अपने बच्चे को जन्म देते हैं, और जन्म देने के बाद वो जब अपने बच्चे के चेहरे को देखते हैं तो उनका जितना भी दर्द होता है वो सब दर्द भूल जाते हैं। कल मेरे पास बहुत सारे काकाओ टॉक में मैसेज आया, और मैंने सोचा कि क्यों इतना काटो काटो कितना साउंड हो रहा है, और मैंने जब जाके उसका काकाओ टॉक मैसेज को खोल के देखा तो मेरा जो दूसरा नाती है उसका दूसरे पोते का जन्मदिन था, उसे 1 ईयर कंप्लीट हुआ। तो मेरे बेटे ने मेरे पास बहुत सारे फोटोज भेज दिए थे,
और जब रूत अपने बच्चे को अपने हाथ में लेके देखती होगी तो वो कितनी खुश हो रही होगी। और उसका नाम क्या था? ओबेद। और वो जब ओबेद उसे बुला रही होगी तो उसको क्या याद आ रहा होगा? ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये तुम्हारा फल नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये नयोमी का बच्चा है। नयोमी ने ओबेद को जन्म दिया है। और जब भी वो ओबेद कह के उसके बच्चे को बुलाती होगी तो वो अनुग्रह को याद कर रही होगी। नयोमी के द्वारा उसने जो अनुग्रह पाया है उस अनुग्रह को वो याद कर रही होगी। और हमें भी परमेश्वर ने ऐसे ओबेद जैसा जीवन को दिया है। और ये जीवन कभी भी मेरे जैसे मेरे मुझसे में संभव नहीं है। जब मैं ये जो जीवन जी रहा हूँ ये कलीसिया के वजह से, परमेश्वर के दास के वजह से और परमेश्वर के वजह से ये संभव है। और इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ओबेद को देना चाहते हैं। और परमेश्वर हमें ऐसे मूल्यवान बहुमूल्य जीवन देना चाहते हैं जो कि परमेश्वर के दास के द्वारा और कलीसिया के द्वारा हमारे लिए प्रस्तुत किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस ओबेद के जीवन को परमेश्वर के दास और कलीसिया से आप जीवन जी के जीवन को लेके आप जी सको। और कभी भी कोई वृक्ष का जो डाली है वो डाली कभी भी उस वृक्ष को सहायता नहीं करता है, लेकिन एक वृक्ष को उसका जो जड़ है वो जड़ उसकी सहायता करता है और उस जड़ उसे पकड़ के रखता है। तो जो जड़ है उस जड़ का जो शक्ति है, जड़ से जो शक्ति उसे मिलती है उस शक्ति से वो पेड़ खड़ा हो पाता है। ये वचन रोमियो का 11 के 18 वचन में लिखा गया है। और परमेश्वर इच्छा करते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा अगुवाही ग्रहण करें और परमेश्वर के अगुवाही से हम जीवन जिए, ये ईश्वर का इच्छा है। और मैं आशा करता हूँ कि आज भी आप ये वचन को लेके आप अपने जीवन में रोज रोज खुशी से जी पाएं। धन्यवाद।